ऑटो शेड्स की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं। वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑटो शेड्स। आप जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास एक किया सेल्टोस आई है। इस किया सेल्टोस में हम लोगों ने क्या क्या काम किया मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ। इसमें हमने बेसिकली जो HID ट्यूब लगाई है हमने ओसराम की लगाई है 2 ईयर्स वारंटी के साथ। मेरे को ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगता है तो मैं ओसराम या हेलोनिक्स ही डालता हूँ। तो ओसराम मेरे को हेलोनिक्स में मैंने दोनों में रिव्यू करके मैंने चेक करके प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा तो इसलिए आई हाईली रिकमेंड दिस कि दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। महंगा ज़रूर है ये, इसकी MRP 9,800 रुपये है, बट आप आइए हम आपको डिस्काउंट भी देंगे इसमें। ओसराम की HID जो बेसिकली किया में एक छोटी सी जो हमें मेरे को जो लगती है जो अकॉर्डिंग टू मुझे लगता है कि लाइट्स की थोड़ा कम है तो इसमें बेसिकली जो छोटी लाइट्स हैं इसकी जगह ये स्पेस कम है इसमें। बट इसमें हम इसलिए मैं HID कैद लगाते हैं हम लोग ताकि लाइटिंग रात को पूरी पड़े। और इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं, इसमें टॉप मॉडल की हेडलाइट भी इंस्टॉल हो सकती है, टॉप मॉडल की हेडलाइट भी अवेलेबल है। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमने इससे पहले एक किया सेल्टोस में आइस क्यूब फॉग लैंप लगाए थे जो ओरिजिनल थे, वो काफ़ी एक्सपेंसिव थे, 15,500-16,000 की रेंज में थे। अब इसके आफ्टर मार्केट फॉग लैंप्स आ चुके हैं जो कि काफ़ी कम रेंज के हैं। ये आइस क्यूब फॉग लैंप्स हैं आफ्टर मार्केट। अब चलते हैं एक छोटे और एक नोटिसेबल पार्ट की तरफ। इसमें GT लाइन की हमने एक लाइन बनाई है पूरी रेड लाइन, जैसे GT लाइन में आती है GT मॉडल में। इसमें एक रूफ रेल हमने इंस्टॉल करी है रूफ रेल, और इसमें डोर वाइजर भी लगाया है हमने क्रोम फिनिश वाला, और इसमें ये भी हमने क्रोम फिनिश का लगाया है डोर गार्निश। अब बात करते हैं एक बहुत ही बेसिक चीज़ जो कि एक गाड़ी में ट्रे होती है, हमने इसमें ट्रे आती नहीं थी, इसमें हमने ट्रे ओरिजिनल लगाई है जो किया से ओरिजिनल आती, किया ओरिजिनल ट्रे है। इसमें बेसिकली क्या होता है डोर पैनल्स भी चेंज करने पड़े, हमने दोनों डोर पैनल्स भी चेंज किए हैं इसके। क्वार्टर पैनल के नीचे का पार्ट रहता है, क्वार्टर पैनल के नीचे का पार्ट के हमने डोर पैनल्स जो नीचे का प्लास्टिक होता है वो चेंज करके उसमें ये इनबिल्ट आता है, ये लगा हुआ आता है ट्रे की एक्सटेंशन, वो लगा के फिर इसके बाद ट्रे लगाई है किया के ओरिजिनल से। और इसमें हमने किया सेल्टोस के PVC मैट आते हैं ये भी लगाए हैं इसमें। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। इस इंटीरियर में हमने डोर क्लॉथ किया है, ये सारा सिल्वर स्टिचिंग दी है, डोर क्लॉथ है सिल्वर स्टिचिंग है। और इसमें बेसिकली ये वुडन हो सकता था और ये पियानो फिनिश हो सकता था, और इसमें ये भी वुडन हो सकता था बट नहीं कराया जिसकी गाड़ी थी। और एक चीज़ और बताऊंगा, इसमें हमने स्टेयरिंग कवर किया है ब्लैक कलर और बेज स्टिचिंग स्टेयरिंग कवर किया है पूरा। हम लोग स्टीरियो इसमें बेस मॉडल आता है, बेस मॉडल की जगह हमने इसमें जो है एंड्रॉयड स्टीरियो लगाया है। बेस मॉडल का छोटा स्टीरियो होता है वो मैं हम आपको दिखाएंगे एंड ऑफ द वीडियो में, इसमें हमने एंड्रॉयड स्टीरियो लगाया है। और ये पियानो फिनिश भी किया है, पियानो फिनिश के साथ ही आया है वैसे तो ये, पर हम ये पियानो फिनिश भी हम इन हाउस ही है तो हम ये कर सकते हैं पियानो फिनिश भी अपने यहाँ पर ऐसी फिनिशिंग का। और बेसिकली इस डैशबोर्ड का भी बताना चाहूँगा, डैशबोर्ड पे भी वुडन हो सकता था, ये स्टॉक है डैशबोर्ड इसमें भी हो सकता था वुडन। सीट्स की तरफ आ जाते हैं। सीट्स बेसिकली हम लोगों को आपको पता ही है हम लोगों की स्पेशलाइजेशन कस्टमाइज सीट कवर की है, तो बेसिकली इसमें हमने सेंटर पे पंचिंग है, ये पंचिंग है, और साइड्स पे हमने इसमें स्टिचिंग दी है, ये सिल्वर स्टिचिंग है और ये वाइन रेड कलर का है और सिल्वर स्टिचिंग है। सीट्स की आप फिटिंग वगैरह देख सकते हैं कैसी है क्या है। बात करते हैं मैट्स की, मैट्स में आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का मैट है और इसमें हमने ग्रास दी है, लगभग सीट कवर से मैचिंग है ग्रास। और इसमें जो मैट्स में जो नॉर्मली आप डायमंड कट देते हैं इसमें स्ट्रेट लाइंस वाला डिज़ाइन है,
70 मैक्स में। अब इस गाड़ी में बेसिकली हमने एक एंड्रॉयड स्टीरियो भी लगाया है, तो इसमें जो स्टॉक स्टीरियो आया था वो ये वाला आया था, और एक एंड्रॉयड स्टीरियो सिस्टम भी हमने इंस्टॉल किया इसमें। इसमें बहुत सारा इंटीरियर का काम हो सकता है, बट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हम लोग काम करते हैं। हम लोग गाड़ी में बहुत कुछ कर सकते हैं, पर जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से काम होगा। इस गाड़ी में हम टॉप मॉडल की हेडलाइट्स भी अब अवेलेबल है, वो भी लग सकती है, फोल्डेबल साइड मिरर भी लग सकते हैं, एंड्रॉयड स्टीरियो भी लग सकता है, और जो काम आपको दिखाया है बेसिकली वो सारा हो सकता है। और इंटीरियर का तो आपने हमारी पुरानी वीडियोस में देखा ही होगा हम क्या क्या कर सकते हैं इंटीरियर में, वुडन फिनिश और सब कुछ। और हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट देके बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, हमें फीडबैक दीजिएगा ताकि हम अपनी काम में अपनी वीडियो में और सुधार कर सकें। पर हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, केवल जेन्युइन कमेंट दीजिए ताकि हम लोगों को आप लोगों से सीखने को मिले, कुछ नया करने का उद्देश्य आए हमारे पास भी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक शेयर और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा हमारी वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करें ऑटो शेड्स, एंड फॉर न्यू डिजाइंस न्यू शेड्स विजिट ऑटो शेड्स।